सुप्रीम कोर्ट ने बिहार शेल्टर होम से जुड़े हुए सभी 17 मामलों को सीबीआई के हवाले कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों पर सुनवाई करते हुए कहा कि बिहार पुलिस अपना काम नहीं कर रही। कोर्ट ने बिहार सरकार की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें उसने जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सीबीआई सभी मामलों की जांच के लिए तैयार है। अब सीबीआई ही शेल्टर होम से जुड़े सभी मामलों की जांच करेगी। हालांकि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है। इस हाई प्रोफाइल मामले पर चिराग पासवान से बात की है हमारे संवाददाता। चिराग पासवान इस समय हमारे साथ में है। चिराग भाई, जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट का आज आदेश आया रेप कांड को लेकर के बिहार में, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मेरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी पर। उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके का समझौता अपराध और करप्शन के साथ उन्होंने नहीं किया। मुझे लगता है जितनी भी जानकारी उनके समक्ष होगी, गृह मंत्री भी हैं वो हमारे प्रदेश के, मुझे लगता है कि वो न्यायालय का पूरा साथ देंगे। जो जो भी जानकारी न्यायालय को चाहिए होगी, जिस तरीके की टिप्पणी आई है, जरूर उसके कुछ और कारण रहे होंगे, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मेरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री। आपको लगता है कि जांच पूरी तरीके से पुख्ता होनी चाहिए क्योंकि सीबीआई पर चला गया है मामला पूरा और साफ तौर पर फटकार भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने? अपराध तो हुआ और बहुत ही घृणित अपराध हुआ, बहुत बड़ा अपराध हुआ, उसका संरक्षक कोई नहीं कर सकता। उसका संरक्षण मुझे लगता है हमारे मुख्यमंत्री जी भी कभी नहीं करेंगे और जांच होनी चाहिए और जितने भी दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए इसके बाद कि भविष्य में कोई इस तरीके की अपराध की घटना को अंजाम ना। आपकी अपील क्या? मेरी अपील है कि बस जो भी जांच हो वो सही हो, निष्पक्ष हो। और अपील के साथ साथ पुनः मैं दोहराता हूँ, मेरा विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री पर कि उनके रहते हुए कुछ गलत नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के चिराग को पूरे तरीके से यकीन है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सवाल खड़े किए कि आखिर बिहार सरकार क्या कर रही थी। बिहार सरकार ने पूरी तरीके से समय मांगा सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय देने से इनकार कर दिया। देखना यह है कि रेप कांड की गुत्थी कैसे और कब तक सुलझती है। दिल्ली हरीश शर्मा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ एशियन, दिल्ली।